हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हम इस वीडियो में बात करने वाले दोबारा मार्केट के प्रेडिक्शन से रिलेटेड, बट यहां पर कल की डेट में यहां पर दो वीडियो बनाई गई थी, जहां पर एक वीडियो से रिलेटेड हमने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आपको दिए थे, जिसमें मदरसन सोमी यहाँ पर दिया गया था। तो आप अगर आज देखेंगे तो मदरसन सोमी लगभग 5% से ज़्यादा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था। मदरसन सोमी बायर देखिए अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया था और यहाँ पर गिरावट होती हुई यहाँ पर साफ अपने टॉप से 77.8 का हाई बना के गिरता हुआ नजर आया। अब क्या करना चाहिए वो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब तक इसका हाई क्रॉस ना कर ले तब तक बाइंग करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसका चांसेस है अगर इसने आज का लो 74 पर अगर क्रॉस कर दिया तो याद रखिए गिरावट होती हुई नजर आ सकती है, जो इसे नीचे तक लेके जा सकती है। तो इसलिए इस शेयर की तरफ आपको इसी हिसाब से ध्यान भी देना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आज बात करने वाले निफ्टी के व्यू से रिलेटेड कि मार्केट में आज क्या होता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट एक अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर चल रही थी, बट आप देखेंगे कि जैसे 1 से 1:30 बजे ओके 12 बजे के बाद एक अच्छी खासी गिरावट लगातार रही और यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई। और निफ्टी की बात करें तो 24 पॉइंट नीचे ये लगभग फ्लैट बनते होता हुआ नजर आया। तो अब क्या है, क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड बातें करेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करिए। थैंक यू। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कल का डेटा यहाँ पर साफ कह रहा है कि यहाँ पर एफआईज या एफपीआईज ने लगातार यहाँ पर सेलिंग करी है और 2149 करोड़ की यहाँ पर सेल करते हुए नजर आया है, बट इसके अगेंस्ट में 1888 करोड़ रुपए का यहाँ उन्होंने बाइंग भी करी है। इस चीज को भी आपको ध्यान में देना है। वो नेट की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पर बाइंग और सेलिंग का डेटा देखेंगे तो वो यहाँ पर अलग है। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आएगा, क्या होता हुआ नहीं नजर आएगा। तो देखिए कल अमेरिकन मार्केट यहाँ पर बंद थी, तो आज की डेट में अमेरिकन मार्केट यहाँ पर ओपन होने के होगी और जैसे ही ओपन होगी तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डेटा को एनालाइज करना है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है अगर ये इसका सपोर्ट लेवल है, इसे अगर ये तोड़ता है और ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर कल भी हमारी मार्केट यहाँ पर भागती हुई नजर आ सकती है, अदरवाइज यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ सकती है। उसके लिए भी आप तैयार रहिए। अगर गिरावट की बात करें तो इसके लिए सपोर्ट अगेन यहाँ पर 30,500 के आसपास का है और उसके बाद 29,600 के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है, बट ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहीं पर ही नजर आता है। कौन सा है 33,193 रुपये के आसपास का, और इसे यहाँ पर मेन इस लेवल को 31,900 का लेवल निकालना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही ये इस लेवल पे पहुंच पाएगा। तो डोजोंस में ये राय है और आज की डेट में देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिहेव करता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पर बात करेंगे डोजोंस फ्यूचर की, जो कि डूबने मार्केट यहाँ पर चलता हुआ नजर आता है। तो देखिए अच्छी खासी यहाँ पर तेजी थी और तेजी के बाद यहाँ पर लगातार गिरावट होती हुई नजर आई है और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर पैटर्न बनाया है। इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है सपोर्ट के पास में तो हमेशा बताता हूँ कि जब इसका हाई निकाल देगा तो याद रखिए तेजी होती हुई नजर आएगी, अदरवाइज गिरावट हुई तो यहाँ पर नीचे इसको ड्राइव भी कर सकता है। तो इस चीज के ये सारे के सारे पॉइंट्स है जो हम यहाँ पर देखने पड़ते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इंडिया विक्स को भी देख सकते हैं कि इंडिया विक्स किस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा है। ओके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप काम करते हुए नजर आ सकते हैं। इंडिया विक्स यहाँ पर देखिए सपोर्ट के आसपास यहाँ पर हैमर बनता हुआ नजर आया है। अगर ये अपने हाई को यहाँ पर निकाल देता है तो याद रखिए इसमें तेजी होगी और इसमें तेजी होने का मतलब है मार्केट में गिरावट। तो ये भी आपको थोड़ा सा इस बेसिस पे यहाँ पर काम करना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की। तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं निफ्टी 50 आज के दिन में हम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से गिरावट हुई और जिस तरीके से गिरावट हुई है यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। इसे अगर ये सक्सेसफुली यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है तो यहाँ पर और तेजी यहाँ पर देख सकती है। तो यहाँ पर देखिए तेजी होती हुई नजर आई ओके, बट यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आया कि ऊपर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग होने का जो इसका सपोर्ट लेवल था यहाँ पर कितना 15,852 का यहाँ पर सपोर्ट लेवल था, उसे यहाँ पर इसने तोड़ दिया है और नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अगर कल की डेट में यहाँ पर गिरावट होती है और यहाँ पर 15,785 इसका लो है आज का, अगर यहाँ पर इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता है तो याद रखिए गिरावट होती ही नजर आ सकती है, बट नीचे यहाँ पर सपोर्ट सामने ही नजर आता है। तो नीचे सपोर्ट यहाँ पर है 15,687, तो यहाँ पर आके ही डिसाइड होगा। तो जैसे कि मैं आप हमेशा बता रहा हूँ कि एक आइलैंड टाइप में यहाँ पर भी बनाया था, इसके बाद तेजी हुई थी, यहाँ पर आइलैंड बना के शायद तेजी होती नजर आएगी। और इसे इस लाइन को क्रॉस करना बहुत जरूरी है और इस पॉइंट को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर ये क्रॉस कर देता है इसके बाद तेजी होती हुई हमें शायद और तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। और शेयर यहाँ पर अगर निफ्टी 50 की बात करें 16,800 का लेवल यहाँ पर दिखा सकता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिहेव करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी मिड कैप की। तो निफ्टी मिड कैप यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसके रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा चलता हुआ नजर आ रहा है। आज भी क्लोजिंग दी है इसने यहाँ पर सेम निफ्टी 50 की तरह यहाँ पर क्लोज देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसे यहाँ पर तेजी के लिए यहाँ पर 27,142 का लेवल निकालना बहुत जरूरी है। 27,142 का लेवल निकाला तो तेजी होती हुई अगेन यहाँ पर दिखाई देते हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की। निफ्टी स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर देखिए ये लाइंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो सब चीज आपको पता चलेगी। देखिए यही लाइन दे रखी है, इसी लाइन को यहाँ पर झूठ मूठ को यहाँ पर अगर बात करें फॉल्स यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया और फिर नीचे यहाँ पर लगातार गिरावट हुई और यहाँ पर क्या बना दिया इसने, यहाँ पर बना दिया शूटिंग स्टार। और जब भी इस तरीके का शूटिंग स्टार बनता है तो याद रखिए अगर इसका अपना लो यहाँ पर तोड़ा तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है। और इसके लिए सपोर्ट कहाँ नजर आता है, इसके लिए सपोर्ट नजर आता है 8,436 के आसपास का, ओके। और मेन बेहतरीन सपोर्ट तो केवल 7,921 है। तो डिपेंड करेगा कि मार्केट में क्या होता है, कल की डेट में अमेरिकन मार्केट किस तरीके से बिहेव करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट भी यहाँ पर बिहेव करते हुए नजर आएंगे। उसके अकॉर्डिंग स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ पर बिहेव करते हुए नजर आएंगे, तो उसकी तरफ आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इंडेक्सेस से रिलेटेड, निफ्टी बैंक से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए निफ्टी बैंक फॉल्स ब्रेकआउट आज की डेट में दिया, यहाँ पर भी देखिए डबल टॉप यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, एक टॉप ये एक टॉप ये, और ये फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो इस तरीके के फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक सीरीज शुरू करी है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से टेक्निकल हम देखते हैं। तो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो प्लेलिस्ट को जाके एक बार यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सीक्रेट ट्रेंड लाइन आपने यहाँ पर जब सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फॉल्स ब्रेकआउट किस तरीके से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आज या कल की डेट में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक अगेन यहाँ पर जब तक ये अपना आज का हाई ना निकाल ले, ओके। और यहाँ पर देखिए यही सपोर्ट, एक सपोर्ट यहाँ पर निकालने के बाद दूसरा सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आता आ रहा था, उसी को यहाँ पर टच करके नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। अगर इसने अपना लो तोड़ दिया, ओके, यहाँ पर देखिए सब रेजिस्टेंस के आसपास है, लो तोड़ दिया तो गिरावट होती हुई नजर आ सकती है और दोबारा ये यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग हो सकता है, बट लग नहीं रहा कि इतनी ज्यादा गिरावट होगी, तो इसको भी लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और इंडेक्सेस से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईटी, निफ्टी आईटी से रिलेटेड। थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम, हाँ। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी आईटी अगेन एंड अगेन बार बार यहाँ पर एक ही रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है, ओके। इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है, वो भी सक्सेसफुली 28,000 यहाँ पर देखिए 28,352 का यहाँ पर जब तक लेवल क्रॉस ना कर दे तब तक तेजी होने के चांसेस नहीं है। और नीचे यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है 27,385। तो ये एक बॉक्स में, जो कि हम बॉक्स थ्योरी आप कभी पढ़ेंगे इंटरनेट पे डाल के तो आपको पता चलेगी, ओके। तो यहाँ पर इस बॉक्स से ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, तब जाके यहाँ पर तेजी आप समझिएगा, अदरवाइज इसी रेंज में घूमता रहेगा। और आईटी के स्टॉक्स भी इसी हिसाब से यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। FMCG, कल FMCG से रिलेटेड बातें करी थी और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट आप देख ही सकते हैं, ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। बट यहाँ पर देखिए आज की दिन में क्या होता हुआ नजर आया, तेजी हुई, ओके। तेजी के बाद क्लोजिंग कहाँ हुई है, नीचे की तरफ हुई है। अगर जब तक ये अपना हाई आज का 39,904 यहाँ पर ना निकाल ले तब तक यहाँ पर फोर्स ब्रेकआउट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, ओके। और इसे अगर सक्सेसफुली निकाल देता है तो सीधे यहाँ पर जो हमारे टारगेट आ रहे थे 41,785 के, वो हमारे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, और कब, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर एनालाइज करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे इंडेक्सेस की। मेटल मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, मेटल में मुझे अभी भी कमजोरी दिखाई देती है, ओके। और मेटल यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ और ड्रैग हो सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए। अगर मार्केट में गिरावट होती है, ये इसका सपोर्ट, जिस दिन यहाँ पर सपोर्ट तोड़ दिया तो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ऑटो की। ऑटो इंडेक्स मैंने हमेशा ही बताया था, देखिए जिस तरीके से एफएमसीजी में बताया था, ऑटो में बताया था कि यहाँ पर ये सपोर्ट है, जब रेजिस्टेंस है, जब तक इस रेजिस्टेंस को ना निकाल ले तब तक यहाँ पर तेजी मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस को ही टच करके नीचे आता हुआ दिखाई दिया और अभी भी इसी रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है, और बल्कि इसने अपना सपोर्ट भी तोड़ दिया है। और यहाँ पर अगर ये इस लेवल को निकाल देता है 11,525, तो यहाँ पर 11,300 के लेवल तक यह नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी ऑटो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर कमजोर दिख रहा है, बट जब चलेंगे तो सारे इंडेक्सेस एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फार्मा की। निफ्टी फार्मा यहाँ पर देख सकते हैं बार बार यहाँ पर क्या बनाता हुआ नजर आ रहा है, इस बार इसने यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया है। ओके, यहाँ पर चीजें ऊपर जाके शायद थोड़ी सी नीचे आ सकती है, अगर इसने अपना आज का लो यहाँ पर तोड़ा तो चीजें यहाँ पर दोबारा नीचे आ सकती है और 11,727 तक आ सकती है, ये इसके लिए सपोर्ट है। और जब तक ये इस लेवल को 12,426 को यहाँ पर ना तोड़े तब तक यहाँ पर तेजी करने की राय नहीं रहेगी निफ्टी में। ओके, इसी हिसाब से फार्मा के स्टॉक्स भी आपको एनालाइज करने हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी में अगर मैं बात करूं तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ओके, अगर तेजी होती भी है तो ये फॉल्स तेजी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए तेजी होती हुई नजर आई ऊपर के लेवल पे, तो यहाँ पर लोअर हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर समझना होगा। ओके, तो यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर हाई बनाया, फिर एक हाई यहाँ पर हाई बनाया, अब ये यहाँ पर हाई बना दिया है, इसके बाद चीजें और नीचे आके यहाँ पर ये इसका सपोर्ट नजर आती है। एक सपोर्ट तो यहाँ पर ही है 23,490 के आसपास का, बट बेहतरीन सपोर्ट है 22,981 के आसपास का। देखी जाएगी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, अदरवाइज ये 21,888 के आसपास आ सकता है। उसके बाद ही आपको जितने भी पावर के स्टॉक्स है उसके बारे में यहाँ पर सोचना होगा। अगर मैं आपको बताऊँ IAX, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि IAX में थोड़ी बहुत कमजोरी है। आज भी देखिए लगभग ये अच्छा खासा 2.68% गिरा है और इसका बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है 148। ओके, 148 को होल्ड कर लेता है गुड, अगर नहीं करता तो मुझे लगता है कि ये 129 तक भी ड्रैग हो सकता है। ओके, और 129 पर ड्रैग होता है उस टाइम यहाँ पर IAX को बाइंग करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करेंगे तो याद रखिए अच्छा खासा पैसा आपका यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आएगा। तो आप यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी अभी भी अपना सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारे के सारे इंडेक्सेस को यहाँ पर देखना है, सारे इंडेक्सेस को इसी तरीके से चेक करना है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको यहाँ पर तेजी और मंदी करनी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर टाटा पावर में भी गिरावट मुझे नजर आती है, एक हाई ये बनाया, इसके बाद एक हाई ये बनाया, अब ये बनाया और अब इस बार हाई ये बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका ये लो टूटा तो चीजें नीचे आ सकती है, जैसे IAX गिरा है ये भी यहाँ पर 175 तक नीचे आ सकता है। ओके, और 175 क्या ये तो और भी नीचे आने की पूरे चांसेस है कि 120 तक भी दोबारा आ जाए, जहाँ से ये चला भागा था वहीं पर ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करनी है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।